Yes, in this video what we have to discuss the discontentment of peasants and sepoys. कि किसान लोग क्यों नाराज थे उनसे और सिपॉयज क्यों नाराज हुए थे. इन द कंट्री साइड पीजेंट्स एंड जमींदार रिसेंटेड द हाई टैक्सेस, क्योंकि जमींदारों पे किसानों पे क्या लगाते थे, हाई टैक्सेस. ये भी हमने प्रीवियस चैप्टर्स में रेड आउट किया. एंड द रिजिड मेथड्स ऑफ रिवेन्यू, उनके रिवेन्यू कलेक्शन का जो वे था दैट वॉज ऑल्सो नॉट गुड. मैनी फेल टू पे बैक देयर लोन्स, कुछ लोग पे नहीं कर पा रहे थे. मनी लेंडर्स को एंड ग्रेजुअली लॉस द लैंड्स दे हैड टिल्ड फॉर जनरेशन, जो कई पुश्तैनी जमीन थी उनके पास, जो फादर्स की ग्रैंड फादर्स की उनके पास लैंड थी वो अब उनसे छीनी जाने लगी, तो वो नाराज होने लग गए. तो दे ऑल्सो पार्टिसिपेटेड अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स ड्यूरिंग द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. द मेन पीपल हु वर द सिपॉयज, आपने फिफ्थ क्लास में भी रीड किया था, इन सिपॉयज लोगों ने ही इस रिवोल्ट को बिगिन किया था. द इंडियन सिपॉयज इन द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी ऑल्सो हैड रीजन्स फॉर डिसकंटेंट, क्योंकि सिपाही लोग किसके पास काम कर रहे थे, ब्रिटिशर्स के पास, ये भी खुश नहीं थे. दे वर अनहैप्पी अबाउट देयर पे अलाउंसेस, उनको सैलरीज बराबर नहीं दी जाती थी, अलाउंसेस नहीं दिए जाते थे, कंडीशंस ऑफ सर्विसेज उनकी बहुत वर्स्ट थी, सम ऑफ द न्यू रूल्स मोर ओवर वायलेटेड देयर रिलीजियस सेंसिबिलिटीज एंड बिलीव्स, और जो नए रूल्स वो बनाते थे वो उनकी रिलीजियस बिलीव्स के अगेंस्ट थे, जो धर्म के अनुसार वो बातें नहीं मानते थे वो उनको कहा जाता था यू हैव टू फॉलो. डिड यू नो दैट इन दोज डेज मैनी पीपल इन द कंट्री बिलीव दैट इफ दे क्रॉस द सी दे वुड लूज देयर रिलीजन एंड कास्ट, क्योंकि उस टाइम ड्यूरेशन पे अपने देश से बाहर जाना मतलब अपने धर्म को छोड़ना था, अपनी कास्ट को छोड़ना था, तो कोई भी लोग ये प्रेफर नहीं करते थे कि दे हैव टू गो आउटसाइड. सो व्हेन इन 1824 द सिपॉयज वर टोल्ड टू गो टू बर्मा बाय द सीरू टू फाइट फॉर द कंपनी दे रिफ्यूज टू फॉलो द ऑर्डर. तो 1824 में क्या हुआ, बर्मा पे अटैक कर रहे थे ब्रिटिशर्स, तो उन्होंने कहा कि हम इंडियन आर्मी को यूज कर लेते हैं, बट दे रिफ्यूज, क्योंकि कंपनी के अकॉर्डिंग, लोगों के बिलीफ के अकॉर्डिंग अगर वो अपनी कंट्री से बाहर जाएंगे तो उनकी कास्ट और उनका रिलीजन चेंज हो जाएगा. दे रिफ्यूज टू फॉलो द ऑर्डर, उन्होंने मना कर दिया. दो दे एग्री टू गो बाय द लैंड रूट, उन्होंने कहा कि हम लैंड रूट से चले जाएंगे पर हम सी रूट से नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा धर्म हमारी कास्ट इस चीज के लिए फेवर नहीं करते. दे वर सीवियरली पनिश्ड, उनको पनिशमेंट दी गई, सिंस द इशू डिड नॉट डाई डाउन, अभी ये यहाँ पर लोग शांत नहीं हुए. इन 1856 द कंपनी पास्ड ए न्यू लॉ, अब कंपनी ने एक रूल ही पास कर दिया, उनसे साइन करवा लिए, विच स्टेटेड दैट एवरी न्यू पर्सन, कोई भी नया पर्सन अगर कंपनी को ज्वाइन करता है एज ए सिपॉय, हु टुक अप एम्प्लॉयमेंट इन द कंपनीज आर्मी हैड टू एग्री टू सर्व ओवरसीज इफ रिक्वायर्ड, कि वो फॉरन जाएगा ही जाएगा, समुद्र के रास्ते उसको जाना ही पड़ेगा अगर कंपनी को जरूरत है. तो ये रूल पे उन्होंने साइन करने शुरू कर दिए 1856 में. तो रिवोल्ट कब स्टार्ट हुआ बेटा, 1857 में. तो दिस वॉज ऑल्सो द वन ऑफ द मेन रीजन. सिपाइज ऑल्सो रिएक्टेड टू वट वॉज हैपनिंग इन द कंट्री साइड, अब जो देश में हो रहा था उसके भी अगेंस्ट थे. मैनी ऑफ देम वर पीजेंट्स एंड हैड फैमिलीज लिविंग इन द विलेजेस, अब बेटे क्वेश्चन अराइज होता है सिपॉय कहाँ से बने थे, हमारे यहाँ पे इंडियन सिपॉय कोई ऐसी ट्रेनिंग तो थी नहीं, जो किसान लोग होते थे वही काम करते थे एज ए सिपॉय का. सो द एंगर ऑफ द पीजेंट्स क्विकली स्प्रेड अमंग द सिपॉयज, अब जब सिपाही बच्चों के साथ ऐसे होने लग गया तो पीजेंट्स भी एक साथ उनके खड़े हो गए कि गलत हो रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए ब्रिटिशर्स को. सो दे हैव डिस्क्राइब्ड अबाउट दिस, सो दिस वॉज द डिसकंटेंटमेंट. और मेन जो कॉज था वो भी हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे, जो मेन कॉज क्या था सिपॉयज के लिए, कार्टेजेस, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे.